हेलो, श्री कृष्णा कुमार सिंह जी अंध उद्योग शाला भावनगर, मारी शाला KKBS यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत थशे। धोरण 7 विषय हिंदी, काव्य 5 हिंद देश के निवासी। तो मित्रों, आज आप धोरण 7 वाला अपने हिंदी नी अंदर काव्य नंबर 5 हिंद देश के निवासी एवं अपने काव्य आज हिंदी में आप भणवानु छे, बराबर छे। हवे तमारा ब्रेलना पुस्तक ने पण अंदर हशे, तमे बधा ब्रेलनुं पुस्तक काढो अने ए पुस्तकनी अंदर तमारी आंगळीना स्पर्शथी तमे पण साथे साथे वाँचता जाओ। एटले हूँ ज्यारे तमने गवडावीश अथवा पठन करूँ छूँ ए प्रमाणे तमारे पण ध्यान राखवानुं छे, बराबर छे बाळको। धोरण 7 वाला ख्याल आवी गयो बधाने? हैं, ख्याल छे ने? तो सांभळो, आपणे हिंदीनी वात करीशुं। हैं हर्ष, મેહુલ, ભરત, માનવ, હસનેન, દીક્ષિત, રિયા, બરાબર છે બેટા? દરેક બાળકો અહીંયા આપણા કાવ્યમાં ધ્યાન રાખજો। વિવિધતા મેં એકતા હમારે દેશ કી વિશેષતા હૈ, સાથ હી વિકાસ ઓર શક્તિ કી પરિચાયક ભી હૈ। માનવીય એવં પ્રાકૃતિક વિવિધતાએ હોને પર ભી ઉસમેં અભિન્ન એક સૂત્રતા હૈ। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। अब सुनिए, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। कोयल की कुक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना, बुलबुल राग मगर एक है। और आगे, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो मित्रों, आज ये काव्य आपणे हिंदीनी अंदर समझवानुं छे। आपणा हिंद देशनी वात छे, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। जन एटले माणसो, आपणा भारत देशना बधा लोको एक समान छे। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है, उनके रंग रूप पहनाव और भाषाएं भले ही अलग अलग हो। तो ये एम समझावे छे, आपणे एनो अर्थ समझिए। काव्य पंक्तिनी समझूती के भारत देश में रहनारा लोकोना रंग रूप पोशाक अने भाषाओ भले भिन्न भिन्न एटले के जुदी जुदी होय, परंतु ते बधा लोको एक छे, बराबर छे। पछी बीजी पंक्ति छे, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। एटले जे फूलो छे ए जुदा जुदा छे, पण ज्यारे माल एनी माला बने छे त्यारे माळानी अंदर एक थई जाय छे। बेला, बेला एटले मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। अबे अपने गुजराती में इन्हीं समझूती समझिए कि भाई मोगरो, गुलाब, जूही, चंपो, चमेली वगैरह फूलों जुदा जुदा होय छे, परंतु आ प्यारा प्यारा फूलो दोरामा माळा रूपे गूंथाईने एक बनी जाए छे। एवी ज रीते जुदा जुदा होवा छतां पण सौ भारतवासी एक छे। हवे त्रीजी पंक्ति, कोयल की कूक न्यारी,
पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। तो कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। तो मित्रों, जे आपणे वात करवानी छे ते त्रीजी पंक्ति छे। કોયલનો ટહુકો અનોખો હોય છે, ઓળખો છો ને બધા કોયલને? પપીહા એટલે પપૈયોની બોલી મીઠી હોય છે, બુલબુલનું ગીત પણ નિરાળું હોય છે। આ પક્ષીઓના ગીત ભલે જુદા જુદા હોય, પરંતુ તેમના ગીતનો રાગ એક જ હોય છે। પછી આગળની પંક્તિ ચોથી પંક્તિ છે। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। तो मित्रों, जे वात छे, आपणे गंगा यमुनानी वात करिए तो एनी गुजराती समझूती आपू छू। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण अने कावेरी आ जुदी जुदी नदीओ छे, परंतु सागर में मळीने एक थई जाए छे, बराबर छे। अने छेल्ली पंक्ति छे हवे। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंत है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो यहाँ बताया है कि धर्म अनेक है, पर उनका सार तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को अंत बनाना। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। तो मित्रों, एना गुजराती अर्थ छे, धर्मों अनेक छे, परंतु तेमनु सार तत्व एक छे। संप्रदायों जुदा जुदा एटले कि भिन्न भिन्न एटले जुदा जुदा छे, परंतु सबनु ध्येय एक छे। मनुष्य जीवन ने उन्नत बनावू, एज रीते सौ भारतवासियों लक्ष्य एक ज छे, देश नी उन्नति करवी, बराबर छे। तो आज एनो अर्थ, अरे पण आ एनो अर्थ जे छे ए महत्वनो छे, बराबर छे। चलो हवे आपणे आ काव्य समझ्या पछी एना शब्दार्थनी वात करिए। शब्दार्थना अर्थे एवा छे, कूक कूक एटले कोयल की आवाज, पपीहा पपीहा एटले एक पक्षी का नाम, टेर टेर का अर्थ है पपीहे की पुकार, तराना तराना गीत, पंथ पंथ याने रास्ता, निराला निराला एटले अनूठा जुदा, मंजिल ध्येय, इसका मंजिल क्या है, इसका ध्येय क्या है, यही बता सकता है, बराबर छे। तो आ आपणो अहीं काव्यनो पाठ अहीं पूरो थाय छे। एना अर्थो बराबर काव्य पठन करी अने याद करी अने मने जणावजो, बराबर। आगळना पाठमां आपणे सवाल जवाब करशुं, बराबर छे बाळकों।